Welcome to the channel. In this video, we are going to discuss a chapter of class 5 and the name of the chapter is Around the World. Yani world ke charo aur, around ka matlab hota hai charo aur. To is chapter mein, first I will tell you the summary ki is chapter mein ek Phileas Fogg naam ka ek vyakti rehta hai jo ki uske companion ke saath, Pacifist ke saath ek bet lagata hai ki main 80 days ke andar pure world ka chakkar laga lunga, puri duniya ka chakkar laga lunga. To us dauran मिस्टर फीलियस फॉग और पासपोर्ट्स को कैसी मुश्किल का, कैसी बाधाओं का, हर्डल्स का, ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, वो चीज इसमें बताया गया है. बेसिकली इसमें तीन हर्डल्स बताए हैं, बाकी इसकी आगे की जो रहेगा वो बाद वाली वीडियो में या फिर आपको बाद आगे वाली क्लासेस में बता दूंगी. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन आस्क किए गए हैं कि विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड, कि आप कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेस है जिस जो आपने अभी तक विजिट की, यानी घूमी, आप कौन सी सबसे अच्छी जगह घूमे हो. हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न, आप वहां पे कैसे गए हो और वापस कैसे आए हो. हैव यू ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कोई डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिए, यानी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए कार से हो, रिटर्न बस से आए हो, या फिर मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो चेंज होते गए हैं, यानी आने जाने का जो साधन रहता है वो चेंज किया गया है. इज देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज, क्या कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट है, ऐसा व्हीकल है जो आपको पसंद है, है ना. सो आप बता सकते हैं इसमें. So let's begin the chapter. Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. अब मिस्टर फीलियस फॉग नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दोस्त से शर्त लगाई है. बैट का मतलब होता है शर्त लगाना. उनके कुछ दोस्त से शर्त लगाई है कि वो 80 डेज के अंदर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल विद हिज कंपेनियन पासपोर्ट. ये एक स्टोरी है कि वो कैसे अपने कंपेनियन मतलब होता है साथी या फ्रेंड या दोस्त. पासपोर्ट नाम का एक उनका दोस्त है कि उसके साथ वो कैसे ट्रेवल किए थे. अब ये पासपोर्ट जो थे वो एक फ्रेंच उनके दोस्त थे. फ्रेंच दोस्त यानी वो फ्रांस के थे, इसलिए उनको जैसे हम इंडियंस हैं तो जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस बोलते हैं, वैसे ही जो फ्रांस में रहते हैं, जो जिनका ओरिजिन फ्रांस होता है, उनको हम फ्रेंच बोलते हैं. दैट इवनिंग they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. अब उस शाम को वो लोग एक ट्रेन में थे जो कि सैन फ्रांसिस्को से तो न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसके बीच का डिस्टेंस था 3,786 miles away. सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क जो है ये एक अमेरिका के सिटीज का नाम है. In seven days, the train would take them from Pacific to the Atlantic Ocean. अब इन 7 दिनों के अंदर उनको ट्रेन ने पैसिफिक से लेके तो ओशियन अटलांटिक ओशियन तक का सफर करवा दिया था. ये दोनों एक महासागर है, पैसिफिक और अटलांटिक. ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड टूर पे गए थे वो बाई ट्रेन गए थे. The train steamed through California at full speed. जो ट्रेन थी वो कैलिफोर्निया से बहुत तेजी से निकल गई थी. Steamed का मतलब होता है बहुत तेजी से निकल जाना. It crossed steep mountain slopes, deep canyons and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges. अब उस ट्रेन ने स्टीप माउंटेन स्लोप यानी बहुत ऊंचे ऊंचे जो लंबे खड़ी पहाड़ियां रहती हैं उसको क्रॉस किया, डीप कैनियंस यानी गहरी घाटियों को क्रॉस किया, एंड हेयर रेजिंग कर्व्स मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. और हेयर रेजिंग कर्व्स को यानी जो रास्ते रहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके में जनरली रास्ते आड़े टेढ़े रहते हैं, रोड नहीं रहते हैं, बहुत मुश्किल से वहां पे रोडवेज होते हैं, मतलब जैसे एज कम्पेयर टू सिटीज वहां पे बहुत अलग तरीके से रोड्स होते हैं. तो हेयर रेजिंग इसलिए कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ है, अब उसके नीचे कुछ भी घाटी वगैरह तो होती ही है, तो उसपे जो रोड रहेगा जनरली हमारे गूस बम्स आ जाते हैं, यानी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हेयर रेजिंग कर्व वर्ड्स को यूज किया गया है. और वो कुछ कुछ टनल्स यानी सबवे होते हैं ना, अंडरग्राउंड पैसेजेस, जो कि हमारे सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल में भी ये वर्ड आया है, तो आप उससे भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, यानी जो सुरंगें रहती हैं. और ब्रिजेस का आप समझते ही है, यानी
यानी पुल वगैरह ये सब. सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. अब क्या हुआ, जो ट्रेन थी अचानक से रुक गई. क्यों रुक गई, रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, कि जो हर्ड था, हर्ड यानी होता है झुंड, बफेलो का जो झुंड था वो रेलवे ट्रैक पे ऊपर अचानक से आ गया था. द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. अब जो ट्रेन थी वो तो रुकने वाली नहीं थी, लेकिन जो बफेलोज आ गई थी उसकी वजह से उस ट्रेन को फोर्सफुली रुकना पड़ा. और वो कब तक, और जब तक वो प्रोसेशन निकल नहीं गया, यानी जब तक वो जुलूस, उनका पूरे बॉडी, जो इतनी हैवी हैवी बॉडीज थी, उनका प्रोसेशन निकल नहीं गया, तब तक वो ट्रेन वहीं पर रुकी हुई थी. यहाँ पे ग्रेट डाउन रिवर इसलिए यूज किया गया है, एक्चुअल में वहां पे कोई रिवर नहीं थी, लेकिन वो इतनी सारी थी कि वो रिवर की तरह लग रही थी, जो कि ब्राउन थी. द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक. अब जो हर्ड था उसने पूरे 3 घंटे लिए थे उस रेलवे ट्रैक से गुजरने के लिए. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन. अब रात हो चुकी थी और जो ट्रेन का चलने का वक्त हो गया था और ट्रेन चल दी थी. नाइट हैड फॉलन का मतलब होता है रात हो गई थी. जैसे कि देखिए आपको बताया गया है बहुत सारे झुंड है बफेलोस का. अब नेक्स्ट बताया द ट्रेन हीडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट्स वाइंडिंग रोड. अब क्या बोला गया, जब ट्रेन क्या कहाँ पे पहुंच चुकी थी, अब स्टीप माउंटेन यानी खड़े पहाड़ों पे पहुंच चुकी थी, खड़े पहाड़ों वाले रास्ते पर पहुंच चुकी थी. और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, यानी मुश्किल पार्ट था, विद इट्स वाइंडिंग रोड. अब आपने देखा ये रोड कैसे होंगे, मैंने पहले ही बताया कि आपको रोड ढंग से मिलेंगे नहीं, ऐसे घुमावदार रोड रहेंगे. दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी 7524 feet अबव सी लेवल. अब उन्होंने सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट पार कर लिया था अपनी यात्रा का, और वो सी लेवल से कितना ऊंचा थी, 7524 feet ऊपर थी. इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. और कुछ घंटे के बाद वो उस रॉकी माउंटेन यानी पहाड़ी माउंटेन से पास कर गए थे. After the passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and barked with a jerk and came to halt. अब क्या हुआ कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था. अब ट्रेन ने विसल बजती कि नहीं बजती, और सीटी बजती है ना, सीटी बजाई और एकदम से झटके से, जर्क का मतलब होता है झटके लेना, आवाज लगाई, बाग किया एंड केम टू हॉल्ट, और वो रुक गई. अब यहाँ पे बताया गया कि पासपोर्ट कैसे एक एंट्रिक होती है उनकी. पासपोर्ट अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज. और पासपोर्ट जो था उसने देखा कि भाई ये ट्रेन रुकी क्यों है, एकदम से इसने जर्क से, एकदम से झटके से ये ट्रेन रुकी क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. देयर वाज नथिंग टू बी सीन. और जैसे पासपोर्ट ने देखा कि क्या मैटर हो गया, क्या बात हो गई, ये ट्रेन क्यों रुक गई है, तो उनको पता चला कि कोई मैटर कुछ हुआ ही नहीं है. द ट्रेन हैड होल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर. अब जो ट्रेन थी वो कहीं बीच में अचानक से रुकी थी और कहीं बीच में रुकी थी. देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट. और उसको जो पासपोर्ट था उनको कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा था. साइट का मतलब होता है नजर आना. He heard the signal man, the train can't go on, the bridge near medicine bow won't support the weight. अब उन्होंने सिग्नल मैन की आवाज सुनी, वो क्या बोल रहा था कि जो ट्रेन है वो आगे नहीं जा सकती. क्यों नहीं जा सकती है, कि जो मेडिसिन बो एक ट्रेन का नाम है, सॉरी मेडिसिन बो एक रिवर का नाम है जिसके ऊपर ब्रिज है, और वो ब्रिज जो है वेट के कारण सपोर्ट नहीं करेगा. ये रीजन था उनका ट्रेन रोकने का. इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन. और वो कौन सा ब्रिज था, वो सस्पेंशन ब्रिज था. सस्पेंशन ब्रिज जो होता है वो एकदम से जो झूला ब्रिज रहता है ना, हमने कहीं मूवीज में देखा है, और कहीं हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहां पे ऐसी ही तरीके के ब्रिज होते हैं जो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ते हैं, जिसके नीचे तो लकड़ियों के रहते हैं और ऊपर झूला टाइप वो रस्सियां बनी रहती है. तो यही बताया गया है कि उस सस्पेंशन ब्रिज के जो केबल्स थे वो टूट चुके थे. द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड परहैप्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट द मैक्सिमम स्पीड. अब वो तो कंफ्यूज हो गए थे कि भाई कैसे हम इस चीज से निकले, हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते से, हम कैसे हमारी जर्नी पूरी करें, कैसे जाए. तो जो ड्राइवर था
उसने बोला कि शायद कोई चांसेस है हमारे इस ब्रिज को क्रॉस करने के, यानी पार करने के। वो कैसे? कि हम इस ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड के से दौड़ाएं। ऑल अबोर्ड सेड द कंडक्टर्स, सेड द कंडक्टर कि उन्होंने बोला, कंडक्टर ने बोला कि चलो अंदर चलो, सारे पैसेंजर को बोला चलो अंदर चलो। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन एंड ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर अ नियरली अ माइल। अब जो पैसेंजर थे सारे ट्रेन के अंदर चले गए थे, और ड्राइवर ने क्या करा था, उनका टारगेट था कि भाई हमें इस ब्रिज को पार करना है, तो ड्राइवर ने रिवर्स लिया और एक कुछ माइल्स दूर तक गया। देन ही गेव अनदर व्हिसल, और फिर उन्होंने, जो ड्राइवर थे उन्होंने एक और सीटी मारी, मतलब ट्रेन की जो सीटी बजी, द ट्रेन बिगिन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग। अब जो ट्रेन थी वो इतनी तेज आगे बढ़ी कि उन सभी पैसेंजर को डर लगने लगे, वो सब लोग घबरा गए, क्योंकि उनका टारगेट था कि भाई हमें तो ब्रिज पार करना ही, और ब्रिज कैसे पार होगा उसकी मैक्सिमम स्पीड से, ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड से। हम लोगों ने कहीं मूवी देखी भी तो है, वो ब्रिज रहते हैं और वो एकदम से मैक्सिमम स्पीड से लेकर जाते हैं, और वो पीछे से जो पुल था वो सडनली टूटने लगता है। तो कुछ ऐसा ही इसमें था, ये आपको इसमें बताया गया है। देखो ये पुल है। The passenger had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. अब भाई वो जो पैसेंजर थे उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो लोग जो है वो एकदम से एयर पे फ्लॉट कर रहे हैं, यानी तैर रहे हैं। As the engine shrinked and the train shuddered, they were over the bridge in flash. अब जैसे ही इंजन चालू हुआ और ट्रेन चलने लगी तो ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने ब्रिज को एक ही फ्लैश में, जैसे लाइट की रोशनी होती है ना, ठंडा होती कितनी तेज होती है, तो वो उसी फ्लैश में उन्होंने उस ब्रिज को क्रॉस कर दिया हो जैसे। As soon as they passed over the Madison River, the bridge crashed down into the raging water below. अब जैसे ही उन्होंने मेडिसिन रिवर के ब्रिज को पार किया तो वैसी जो रैगिंग थी उनकी, ये जो दिखाई गई है आपको, जो आपको ये लकड़ी की दिखाई गई है, वो अचानक से पानी के अंदर गिरने लगी। द ट्रेन कंटिन्यू इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। अब उसने, ट्रेन ने अपना सफर जो था उस इवनिंग पे कंटिन्यू करा बिना किसी बाधा के। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई Hundreds of Sinox Indian, a tribe of native red Indians. अब भाई क्या हुआ कि next day, जैसी ट्रेन बढ़ी तो क्या हुआ कि उनको hundreds of Sinox Indians, मतलब करीबन 100 Sinox Indian जो होते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। Sinox Indian किसे बोलते हैं? A tribe of नेटिव रेड इंडियंस, जो रेड इंडियंस लोग रहते हैं उनका। रेड इंडियंस यहाँ पे इसलिए बोला गया है, इसके भी पीछे की स्टोरी है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इंडिया की खोज करने के लिए गए थे, लेकिन उनको अमेरिका फाइंड आउट हो गया, उनको अमेरिका डिस्कवर्ड हो गया, तो वहाँ पे जो लोग बस चुके थे उनको हम रेड इंडियंस बोलते हैं। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड, जम्प्ड ऑन द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्फ अप द स्टेप्स। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है कहीं साइड से आने लग गए, किसी ने ट्रेन के ऊपर जंप करा, और कोई पुल्ड देमसेल्फ अप टू द स्टेप्स, और कोई आगे बढ़ने लगे। They were armed with rifles. Some of the travelers had revolvers. और उन सभी के पास rifles थी, और उन सभी के पास revolver भी थी, यानी उन rifles और revolver दो gun होती है, बोलो ये दोनों gun उन लोगों के पास थी। They defended themselves bravely by answering with a pistol shots. जैसे देखा जाता है कि भाई जो गुंडे वगैरह बदमाश रहते हैं या फिर डाकू वगैरह रहते हैं, वो normally pistol वगैरह से चला कर ही answer करते हैं, तो वो भी same ऐसी चीज repeat कर रहे थे। ये देखिए बताया गया है, ये सारे नेटिव ट्राइब्स इंडियन रेड इंडियंस लोग हैं। द कंडक्टर क्राइड आउट द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप और वी लॉस्ट। अब कंडक्टर जो था वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसने चीखते से बोला, उसने चिल्लाकर बोला कि जो ट्रेन है उसको जरूर से रोक देना चाहिए, वरना हम लोग वी आर लॉस्ट, यानी हम लोग घूम नहीं जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। वी आर लॉस्ट मतलब होता है कि हम लोग मार जाएंगे। I will go, said Passport. अब Passport जो था बड़ा ब्रेव था, वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। He opened a door and unseen by the red Indians, he slipped under the racing train and holding on to the chain, he slowly reached the engine. अब जो Passport था उसने क्या करा, उन रेड इंडियंस से बच करके वो ट्रेन के
जैसे तैसे ट्रेन की चेन के पास पहुंचा और उसने इंजन को स्लो करने की कोशिश की. देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन. और फिर क्या करा उसने, इंजन को रोकने की कोशिश करी, उसने इंजन को सेपरेट कर दिया, यानी अलग कर दिया कोचेस, जिस जो लोग बैठे रहते ना पैसेंजर कोचेस के अंदर, उससे अलग कर दिया. और दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, वो धीरे धीरे करके वो डब्बे रुकने लगे. दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड by the sound of shots hurry towards the train. अब जैसे ही उन्होंने कोचेस को अलग अलग किया तो जो कोचेस थी वो एक पास के स्टेशन पे जा पहुंचे, क्योंकि वो तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहे थे. और वहीं पर कुछ सोल्जर, जो सैनिक लोग रहते हैं, उन्होंने बंदूक वगैरह की आवाज़ सुनी होगी, तो वो जल्दी जल्दी से, हरीड का मतलब होता है जल्दी जल्दी से, उस ट्रेन के पास आ गए. द रेड इंडियंस ऑन द बोर्ड सो देम एंड क्विकली जंप्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली. अब जो रेड इंडियंस थे उन्होंने उन लोगों को देख लिया, उन सोल्जर को देख लिया, इसीलिए वो क्विकली यानी जल्दी से जंप किए उस ट्रेन से बिफोर द ट्रेन स्टॉप एंटायरली, कि उससे पहले कि ट्रेन रुक जाए हम पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं. सो ये हमारी ली गई है जूलियस वर्ना से ली गई है, अडैप्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन द 80s, ये बुक है उससे ली गई है. सो दैट्स ऑल. इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज़ वेल. थैंक यू सो मच.